waking up, fears I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड। और आज का दिन बड़ा ही मेमोरेबल है और बड़ा अहम है। मैंने आपको बताया था कि यूके में आया हूँ फैमिली के साथ, मेरी सेटलमेंट है और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं समर सीजन में फोटोग्राफी वाला सीन ऑन करूँ अपना। तो पहले दिन जब मैं आया था कैमडन मार्केट, मैंने बैंडो बर्गर से बर्गर खाया था और उनको मैंने रील वगैरह दिखाई तो उन्होंने मुझे पहला प्रोजेक्ट दिया जी कि आप हमारे सोशल मीडिया का काम करें, हमें रील्स पिक्चर्स और स्टोरीज बना के दें पूरे महीने के लिए। पहला महीना उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है कि आप पहला महीना करके देखें, उस तो बाद डिसाइड करांगे कि तुहानू काम देना भी है कि नहीं। तो बड़ा ही अहम दिन है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने पहला काम दे दिया है। अपना सफर मैं अपने घर से शुरू करूंगा, मिल्टन कीन्स पे मैंने आपको बताया था मैं रहता हूँ, वहां से ट्रेन पे आऊंगा लंदन सारा सफर देखते हुए और फिर हम पहुंचेंगे फुलहम लंदन ब्रांच। मैं मिल्टन कीन्स ब्लेशली में रहता हूँ और मेरे घर से 9 मिनट की वॉक बनती है ट्रेन स्टेशन, तो 9 मिनट की वॉक है, करीब ही है मतलब। और माशाल्लाह आज धूप निकली हुई है, बेहतरीन मौसम है। वैसे तो कहा जाता है कि सबसे जो है ना वो बेतबारा यहाँ पे मौसम है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में भी कि बारिश 3-3 दफा हो जाती है, धूप निकल आती है, तो मौसम बहुत जल्दी यहाँ पे चेंज होता है। जिस दिन धूप निकलती है उस दिन यहाँ पे बड़ी खुशी मनाई जाती है कि शुक्र है धूप निकली। और जितने भी है ना हमारे मौसमी शायर, बारिश अच्छी लगती है, बारिश में भीगना अच्छा लगता है, तुम एक बार इतने आ जाओ, ताड़ी 2 हफ्तियां जी है जी ना शायराना तबीयत सेट ना हो गई, मैं कहना यहाँ पे इतनी बारिश होती है। अच्छा, जो बस स्टॉप है ब्लेचली का वो 5 मिनट की वॉक पे है घर से। ये मैं आपको दिखाता हूँ बस स्टॉप, यहाँ पे पूरे मिल्टन कीन्स में ऑलमोस्ट बसें जाने वाली रुकती हैं। ये देखिए इतने ज्यादा इसके बेस बने हुए हैं और सड़क क्रॉस करके जो सामने वाली आपको बिल्डिंग नजर आ रही है यहाँ पे इसकी बैक साइड पे स्टेशन है, तो मतलब बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन दोनों ही करीब है। यहाँ पे क्योंकि मैं आपको बता रहा था बारिशें बहुत होती हैं इसलिए प्लेटफॉर्म भी कवर्ड है और ये जो मटेरियल है ना सीढ़ियों का खास तौर पे ये इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ से इम्पॉसिबल है कि आप स्लिप हो जाएं, मतलब अगर ये गीला होता है ना तो उसकी ग्रिप मज़ीद बेहतर हो जाती है। हर प्लेटफॉर्म पर ये इन्होंने कमरा रखा हुआ है कि आप अंदर जा कर बैठ जाएँ और अंदर जो है वो टेम्परेचर मेनटेन किया गया। हर जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे आपको ऐसे कमरे लाजमी मिलते हैं कि हवा या बारिश हो रही हो, वैसे बारिश से तो मसला नहीं है बट स्टिल हवा है, बच्चे हैं, प्लेटफॉर्म भी थोड़ा ख़तरा ही होता है, तो यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट को देख के पीछे ये कमरा है, इसमें आप जाके बैठ सकते हैं इजी मोड। अभी मेरी 10:35 पर ट्रेन आनी है और देखते हैं कितने बजे जाती है, अभी ऑन टाइम ही लिखा हुआ है, वैसे इम्पॉसिबल है कि ये लेट हो। बात कर रहा था कि वेदर यहाँ पे बड़ा अनप्रडिक्टेबल होता है और कितनी तेज धूप थी और 13 मिनट लगे हैं मुझे सारे वो कुएं में और बारिश शुरू हो गई है, शायद आपको नजर ना आ रही हो। यहाँ की जो ट्रेन है वो उतना शोर नहीं मचाती, मतलब मिनिमम इसकी आती है नॉइज, अगर बड़ी स्पीड में भी गुजरे ना आती है लेकिन बहुत कम आती है। और अभी मैं ट्रेन में बैठा भी हूँ तो आप देख ही रहे हैं मेरी आवाज किस तरह से आप पे पहुंच रही है, तो कुछ इंजीनियरिंग ऐसी की गई है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसी की गई है कि जो ट्रेन में नॉइज़ है ना वो बड़ी कमाल है। ट्रेन तो खैर दी इन्होंने असी तेज था कि उन्होंने चलान रहे हैं तो इनकी ट्रेन देखे कहाँ तक पहुँच गई है, मेरे नालों ट्रेन भी लंघ गई है, हमें कोई क्रॉस पड़ जाए ना तो ट्रेन रुक जाती है, पानी एक ट्रेन रुकेगी तो दूजी लंघेगी, तो खैर वो भी प्यारे प्यारे सीन आने शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ पे।
अच्छा, ये जो रेलवे ट्रैक है ये वेस्ट मिडलैंड बनता है और यहाँ पे जो ज़्यादातर ट्रेनें चलती हैं वो चलती हैं लंदन से बर्मिंघम, लिवरपूल और मैनचेस्टर को जाने वाली, जो है ना तीन बड़े शहर वो इस लाइन पे कवर होते हैं। और भी कोई लाइनें होंगी लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा ना सबसे ज़्यादा ट्रेनें इसी की चल रही होती हैं और जो ह्यूस्टन से निकलती हैं, क्योंकि मुझे ह्यूस्टन लगता है लंदन में सेंट्रल लंदन का स्टेशन है, मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना है यहाँ पे। तो बर्मिंघम, लिवरपूल और मैनचेस्टर की जो ट्रेन है वो यहीं से निकलती हैं। इवन कि ग्लासगो की भी जाती है यहाँ से ट्रेन, अवंती वेस्ट कोस्ट जो है वो ग्लासगो जाती है। कि आज पहला दिन है काम का, अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हूँ और थोड़ी कन्फ्यूजन भी है, बल्कि मैंने अम्मी को फ़ोन किया हुआ था तो माँ जी कह रही थी कि सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो, दूसरा मुल्क है, अननोन जगह है, तो देखते हैं क्या बनता है, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। तैयारी तो मैंने सारी कर ली है, रात को बैठ के एंगल देखे हैं, लाइट सेट की है, कैमरे वगैरह चार्ज किए हैं अपने, तो ये जो दिन है ये मुझे बड़ा मेरे लिए मेमोरेबल है कि पाकिस्तान से बाहर जाके जो काम है वो करने लगा हूँ। लेकिन कितना जबरदस्त है देखें सिस्टम, कि तीन ट्रेनें थी, तीन लाइनें हैं ये मेरे पीछे, एक नीचे है ये दो और वो तीन, और तीन ट्रेनें ही गुजरी हैं, दो आ रही थी और एक जा रही थी, सेंटर में से कोई ट्रेन रुकी भी नहीं है। और यहाँ पे देखें सीन कितना खूबसूरत हो गया है। अपना मुल्क जो है उसकी क्या बात होती है, आज मैंने भी काम शुरू नहीं किया और पहले दिन मुझे समझ आ गई है। मेरे पास आज कोई हेल्पर नहीं है, कोई टीम नहीं है मेरे पास, मैं अकेला हूँ। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बाहर रहते हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। भाई मैं काम नहीं किया था मुझे समझ आने लग पाई है, लाइफ इतनी आसान नहीं होती, बस वो तस्वीरें अच्छी होती हैं वो जो लोग लगाते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये पहले दिन ही बात बताई थी कि बाहर आने का एक सिर्फ है कि आप जब वो तस्वीर अपलोड करते हैं या कोई वीडियो लगाते हैं ना वो बड़ी प्यारी आती है, बस वही एक पॉजिटिव चीज़ होती है, उसके अलावा सारी जो रियलिटी है वो बड़ी डार्क है। ये इस वक्त मैं फुलहम जा रहा हूँ और ये है लंदन की गलियाँ। ह्यूस्टन से नॉर्दर्न लाइन पे बैठ के मैं एम्बैंकमेंट उतरा था और जिसे लंदन आई है गए। बाकी लंदन की ट्रैफिक कहते हैं कि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मैं तो कोई नहीं देखी, आपस की गल है, सड़कें ओवरऑल आप भी देख ही रहे हैं मेरे एपिसोड में खाली खाली हैं। ले जी, एक मिनट का रास्ता रह गया और ये जो आगे चौक आ रहा है इसे लेफ्ट साइड के करीब ही मुझे बता रहा है ब्रांच, और मुझे लिस्ट कल ही आ गई थी कि किन किन चीज़ों की मैंने पिक्चर्स बनानी है सोशल मीडिया के लिए और ऊबर ईट्स और जस्ट ईट के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वाली ऐप्स चलती हैं, तो 10 के करीब पिक्चर्स हैं। उसके अलावा कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम रील्स मेकिंग शॉट्स और खाबा शॉट्स जो हैं वो भी बनाता रहूँ।
ने जी फर्स्ट बर्गर शूट कर लिया हमने, उसकी रील्स भी बन गई, पिक्चर भी बन गई, और इनकी एक ऑफर है बर्गर फ्राइज और कोक के साथ, उसकी मैंने बनाई है। और आगे हैं विंग्स के 5 फ्लेवर हैं, 3 फ्लेवर करेंगे, तो नाल मैंने भूख भी लगती जा रही है, तो वो कोई रोला नहीं, खाना पीना जितना मर्जी करो लेकिन नाल काम भी करना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारी जो थी वो क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और अब करते हैं अगली, और मैंने मेरा ख्याल आज मैं 10 के करीब करूँगा। ये बर्गर का दौर शुरू होने लगा है, और 5 बर्गर हैं, एक वेजिटेरियन बर्गर है, उसका नाम है मीट इज मर्डर वो, और साथ में 2 चिकन है और 1 बीफ बर्गर है। और बीफ बर्गर मैंने इनको आते ही कह दिया था पहले दिन ही, मैं सोचते रहने मैं बीफ बर्गर जेड़ा दिन मैं खाना नहीं है, तो वो फिर मैंने 1 घंटे बाद रखवाया। मैंने कहा पहले चिकन लगवा लें, चीनों को देखते कि भूख भी लग रही है ना, तो फिर बीफ बर्गर खाने का मज़ा जो है वो यू नो दैट्स ऑल होगा। यहाँ पे जो शेफ हैं वो सारे अल्जीरियन हैं, मतलब इनकी 6 ब्रांचेज हैं, सब के सब अल्जीरियन हैं, उनके 12-15 अल्जीरिया के रखे हुए हैं, और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है मेरे वर्गी है। तो बस प्लीज़ यस नो दे विच ही गलबात चल रही है, लेकिन काफ़ी हेल्पिंग है और मदद कर रहे हैं मेरी। पहले दिन बर्गर था जो जो ब्रांड ऑफ बर्गर की तरफ से मुझे रिकमेंड हुआ है कि आप खाएँ, मैंने उनको बता दिया था कि मेरा जो है ना वो सिलसिला बीफ वाला है, तो बीफ के अंदर चीज भी अन्य वाह लगाई गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह 11 प्रोडक्ट्स थी वो हमने कर ली है, सब भी मेरे पास खाना खा लिया, और ये लास्ट मास्टर शॉट है। और आज का दिन जो था वो बड़ा जबरदस्त था, मेरा पहला दिन था मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन यहाँ का जो सपोर्ट मुझे बड़ी मिली, और अभी मेरी जो ट्रेन है वो 8 बजे की है और अभी 6 बजे, मतलब 2 घंटे में पहले फ्री हो गए। प्रोडक्ट्स मैं आपसे शेयर करूँगा, देखिएगा कि कीता मैं की गुड़ खिलाए हैं, मैंने एक महीना चलना मैं क्योंकि पहले कड़ दे रहा है। हाँ जी उमर बहुत शुक्रिया, और भाई जहाँ से आप आज आ गए इधर पकड़ लिया आपको, छापा मारा है आपको, चुप पीते जो है ना वो आपने इन्फॉर्म किया था कि आऊंगा, और लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बैनो बर्गर खाने आऊंगा, तो बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो उमर से आज हुई है मुलाकात कोई 3-3.5 साल बाद, व्लॉग जो उनके देखते रहते हैं, तो इनके प्लान भी डिस्कस हुए हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं फोटोग्राफी और व्लॉग्स और सारी चीज़ें, तो हमने आज इनको पहला जो प्रोजेक्ट है यूके में बैनो बर्गर्स का, हमने सोशल मीडिया का, हमने सारा जो जो इसकी देखेंगे सारी चीज़ें सोशल मीडिया की, वो हमने उमर को साइन की हैं, उमर से रिक्वेस्ट की है बल्कि कि यार इसको बेहतर कर सकें और आप इम्प्रूव कर सकें इसको, चीज़ों को देखें। उनका भी उमर आपका शुक्रिया, आपने आपने जो है ना उसको सेट किया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका यूके में अच्छा गुजरेगा, हमारे साथ भी अच्छी पार्टनरशिप रहेगी बैनो बर्गर्स के साथ, और आप अल्लाह करे आप जो है ना अपनी फोटोग्राफी वेडिंग फोटोग्राफी व्लॉग्स वगैरह इसी तरह बनाते रहें, हम उनको देख के इंजॉय करते रहें। जी ट्रेन चल पड़ी है घर जाने के लिए, और एक ही जगह पे ज़्यादा मूवमेंट करने से आप मुझे मैं ज़्यादा थक जाता हूँ, यही अगर मैं चलता रहूँ तो इतना नहीं थकता, और ट्रेन देख लें बिल्कुल खालम खाली है, वो पीछे भी कोई नहीं, मैं कल ही हाँ ट्रेन बुक कराई जाए भरा आने वापसी वास्ते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दिन गुजरा, और आप लोग भी सीधे हो जाएं यूके में जो लोग हैं वेडिंग इवेंट बर्थडे फूड फोटोग्राफी कुछ भी हो जो पराठा डाब आके करेगा, और अभी चल के मुझे थोड़ी सी हो रही है तस्वीरें चल के मैं देखूंगा, वैसे था कि जाते सो जाऊंगा, लेकिन मैं डाटा कॉपी करके देखना चाहता हूँ कि मैं करके क्या आया हूँ, और फिर आपसे भी शेयर करूँगा। और आज का दिन जो था वो बड़ा डिफरेंट था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मुझे रेफर भी कीजिएगा रिकमेंड भी कीजिएगा, और कोई बर्थडे वेडिंग इवेंट फूड फोटोग्राफी का सिलसिला हो यूके में तो बताइएगा, क्योंकि गड्डी भी मैं ले लेती है तो मैं पहुंच जाना करना है। तो इंशाल्लाह फिर नए एपिसोड में जल्दी मिलते हैं।
अल्लाह हाफिज़।